भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की पेच। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का दूसरा विस्तार शुक्रवार को हुआ। राजभवन के बिरसा मंडप में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल हसन को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। हाफिजुल हसन ने उर्दू में शपथ ली। सरकार में मंत्री हाफिजुल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्री हाफिजुल हसन बिना विधानसभा चुनाव जीते मंत्री बनाए गए हैं। 15 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब बिना विधायक जीते हाफिजुल हसन मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले 2006 में मधुकोड़ा सरकार में भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बनाया गया था। 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के दो और राजद के एक मंत्री ने शपथ ली थी। इसके बाद 28 जनवरी 2020 को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। इसमें जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी। आरपी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। आज का ये और कहा जा रहा है, राजनीतिक अधिकारों में कहा जा रहा है कि ये जेएमएम का बहुत बड़ा दाव है। मास्टर स्ट्रोक का देखिए, ये तो आप आकलन करेंगे, ये आप लोगों का विशेष अधिकार है। हमने राजनीतिक और अपने विवेक के अनुसार और जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया है और उसके साथ हम लोग आज इसको राजभवन पहुंचाने में रुचि दिला दिया है। और निश्चित रूप से ये निर्णय तो आप लोगों का दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।